हेलो एवरीवन टुडे टूडे वी विल लुक ए चैप्टर ऑफ द पैरासिटोलॉजी दैट इज द सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हेलमेंथिस होता है ठीक है ना हेलमेंथिस में दो फाइलम्स आते हैं एक होता है फाइलम प्लेथी और एक होता है फाइलमिथेलमिस जो फाइलम प्लेथी होता है इसको हम बेसिकली बोलते हैं उसमें टू क्लासेस होता है ठीक है एक होता है trim, थोड़ा जिसको हम बोलते हैं टेप ठीक है ना और एक होता है ट्रीमेटोडा इसको बोलते हैं फ्ल्यूक्स ठीक है और हम मैंने जो एक और बोला था नीमथ हेलमेंथ नीमथ हेलमेंथिस क्योंकि जो हेलमेंथिस होता है उसमें दो आता है एक प्लेटी हेलमेंथिस एक नीमथ हेलमेंथिस नीमथ हेलमेंथिस में क्या आता है उसमें फिर दो सब क्लासेस आते हैं दैट वी विल कवर इन अदर वीडियोज बट सबसे पहले हम देखेंगे क्लास ट्रिमेटोडा ओके okay? एंड इसकी फाइल में प्लेथी हेलमेंथिस तो सबसे पहले हम देखेंगे आज की वीडियो में कि जो ट्रीमेटोड होता है उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है भाई दिस दिस इस फ्लोचार्ट जिससे बहुत याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी तो थ्रीमेटोड्स ट्रीमेटोड्स को हम लोग फ्लूक्स भी बोलते हैं ओके क्योंकि हम मैंने पढ़ा ना प्लेथ में दो होते हैं ट्रीमेटोड्स तो ट्रीमेटोड्स को लोग फ्लूक्स बोलते थे जो कि वन एम एम टू सेवरल सेंटीमीटर्स में फैला होता है ठीक है आफ्टर दैट इसकी जो ट्रीमेटो की जो सेप होता है वो बेसिकली पत्ते की तरह पत्ते का आकार का होता है ठीक है ना एंड ऑफकोर्स दिस इज द अनसेगमेंटेड हेलमेंटिस और हमने पहले ही बोला कि ये फ्लैट बॉम में आएगा ठीक है फ्लैट बॉम ठीक है आफ्टर दैट दिस हम लोग इसको देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हैपीटेट ठीक है ना कि जो ट्रीमेटोड्स है उसको ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट कितने क्लासिफिकेशन किया गया इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है दट इज़ कॉल एस बिल दट इज़ ब्लड फ्लूक्स इंडेस्टिनियल फ्लूक्स लीवर फ्लूक्स एंड द लंग्स फ्लूक्स चार तरह के फ्लूक्स हमें पढ़ना है ओके नाउ सबसे पहले हम जनरल कैरेक्ट्रिस्टिक्स में देखेंगे कि पहले तो एक बेसिकली अगर हम एक डायग्राम याद कर लेते हैं तो उससे हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो डायग्राम में क्या डायग्राम में बेसिकली हमें एक एक हमें सबसे पहले तो एक मीन्स ऑर्गेनिज में तो हम एक तो न, सेप देंगे ही ओके फर्स्ट वी हैव गिवन द सेप ऑफ ऑर्गेनिज्म और आप बोल सकते सेप दिए देन दैट इज द ओरल हम सबसे पहले एक ओरल सकर बनाएंगे ठीक है ओरल सकर के बाद क्या होगा हम लोग उससे एक ट्यूब बनाएंगे एंड इसको बोलते हैं ईसोफेगस और ये मैं लेबल करना भूल गई दिस इज द रिंग्स ओके okay. उसके बाद हम लोग उसको दो पार्ट में बाईफ फर्केट फर कर देंगे ओके एंड दैट एक ब्लाइंड ब्लाइंड सैक बन जाएगा जिसको हम लोग सीकम बोलेंगे ठीक है तो so, ये इसकी क्या हो जाएगा दिस विल बी इट्स एलिमेंट्री कनाल तो इट्स वेरी इजी देन अब ओरल सकर है एक यहाँ पे भी मैं लेवल नहीं किया दैट इज द वेंट्रल शक्कर ओके ये हमने पूरा उसकी एलिमेंट्री कैनाल बना दिया इसके बाद ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होगा ही इस्क्रिटरी में क्या बना देंगे एक्सक्रीटली ब्लैडर बना देंगे ठीक है उसके बाद दिस विल बी द थिंग कि हमने एलिमेंट्री कैनाल बना दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम बना दिया एक्सक्रीटरी ब्लैडर जब हो गया तो उसमें कुछ ना कुछ सेल्स होंगे जो एक्सक्रीशन में हेल्प करवाएंगे दैट विल बी द फ्लेम सेल फिर हमने हमारे जो प्रातिय एलिमेंट्रीज होते हैं इसका जो तो ट्रीमेटोड क्लास है ठीक है ना उसमें एक ओरल सकर है और एक वेंट्रल सकर देन वी हैव द वेंट्रल सक्कर जो कि मिड लाइन में प्रेजेंट होती है ओके okay? देन इसमें हम ऑफ कोर्स दिस आर द मतलब पहले सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म सब हैं तो इसमें क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकॉज दे मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल बी मोर ओके तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अगर इसके हम अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो जो डायग्राम्स होंगे उसमें मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शो किया है बट दिस इज पिक्टो डायग्रामेटिक स्कीमेटिक डायग्राम तो लेकिन जो ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे तो मोस्टली उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही रहेगा दैट मीन्स दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड सो यहाँ पे ओबरी आपको दिखाना है ठीक है ओबरी ओके जेनाइटल पोर डेट इज यूट्रस टेस्टिस ठीक है ये सब आपको मेल एंड फीमेल दिखा देना है बट आप बोलोगे इसमें ओबरी भी है टेस्टिस भी है दिस मीन्स दैट ट्रीमेंट रूट्स में क्या हो जाएगा दे आर द दर्माफ्रोराइड्स ओके okay? बट इसके भी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हरवा नहीं होते हैं ठीक है ऑल आर नॉट ऑल आर द मोनोसियस देर एक्सेप्शन एंड द एक्सेप्शन इज सिस्टोसोमा दे आर द डायोसियस उसमें क्या होता है जो मेल होते हैं ना मेल के अंदर अंदर ही एक ग्रुप बना, बना हुआ रहता है ओके और उसको हम लोग बोलते हैं गाइनोकोफोरन कैनाल और उसमें फीमेल लाई करती है बेटे सेकेंड लाइक कि जैसे ये अगर ऑर्गेनिज्म है ठीक है ना इफ दिस इज मेल तो इसकी एक गनो का फोरन कैनाल रहेगा और यहीं पे द फीमेल भी लाई ओके okay? तो यह किस में होता है सिस्टोसोमा तो में होता है और सब में क्या है और सब में आप सिंगल ही देखोगे कि उस, उसी में मेल है उसी में फीमेल है बट हेयर इन द सिस्टोसेमा मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं बट जो फीमेल होते हैं वो मेल की बॉडी में ही रिसाइड करता है ओके आफ्टर दैट अब हम इसमें जो डायग्राम की बेसिस डायग्राम्स के थ्रू हमने जो जो लिखा है लेट्स हैव ए लुक सबसे पहले तो कि इसके जो यूनिक फीचर है दैट इज द मोस्ट यूनिक फीचर दैट इज़ द टू मस्कुलर कप सिप्ड सक्करस आर प्रेजेंट। ओके दो सक्करस प्रेजेंट रहते हैं एक है ओरल सक्कर और एक है वेंट्रल सक्कर ठीक है ओरल ओरल सक्कर के पास क्या होगा माउथ होगा वहाँ पे जो कि एंटीरियर एंड पे होगा वेंट्रल सक्कर ओके okay, इसको लोग एसिटाबुलम भी बोलते हैं जो कि मिडिल में होता है और ये ओरल सक्कर है और जो वेंट्रल सक्कर है दोनों किस चीज़ के लिए हेल्प करता है दोनों मूवमेंट के लिए भी हेल्प करता है और होस्ट के अटैचमेंट के लिए भी हेल्प करता है ओके सो दिस इज यूनिक फीचर जो आपको ट्रिमेटो फ्ल्यूक्स जो कि एक क्लास है किसका किस फाइलम का प्लेथी का इसका जिसका एक और क्लास है सिस्टोडा अभी हम लोग क्रिमिटोड्स पढ़ रहे हैं उसकी ये क्या यूनिक फीचर है ओके okay? ये याद हो जाएगा तुरंत ड्यू टू दिस डायग्राम एवरीथिंग विल वेरी सिंपल बॉडी कवर्ड विथ इंटेग्यूमेंट्स ऑफकोर्स इसके बॉडी कवर्स रहेंगे इंटेग्यूमेंट्स की क्योंकि इसको होस्ट के अंदर रहना है तो इसको डाइजेस्टिव उचाइन से प्रोटेक्शन चाहिए सो दैट्स वाई द बॉडी इज कवर्ड विथ इंटेग्यूमेंट्स देन एलिमेंट्री कनाल इज इनकम्प्लीट ऑफकोर्स यहाँ पर आपको दिख रहा है इनकम्प्लीट है देन माउथ माउथ के माउथ कहाँ पर होगा ओरल चक्कर जो होगा उसके उसके बीच में माउथ होगा फेरेंस जो होता है बल्बस होता है आप देख सकते हो यहाँ पे फेरेंस इज बल्बस देन ईसोफेगस ईसोफेगस बेसिकली क्या करता है बाइफर कर जाता है और टू ब्लाइंड पॉचेस बना देता है इसको हम लोग बोलते हैं सी का एंड द एनस इज अबसेंट इसलिए तो हम लोग बोल रहे एलिमेंट्री कैनाली इनकम्पलीट आफ्टर दैट नर्वस सिस्टम यहाँ पे मैंने सो नहीं किया क्योंकि दे आर द रिड्यूमेंट्री ओके एंड ग्रुप ऑफ पेयर्ड गैंगलियोन सेल नर्व ट्रंक ये सब प्रेजेंट होता है रिम्बर की पेयर्ड गल्स आर प्रेजेंट सिस्टम यह सिमेट्रिकल आपको दिख रहा है इधर भी फ्लेम सेल इधर भी फ्लेम सेल जिस तरह से इधर भी डिवाइडेड है सो बायोलिटिकल सिमेट्रिकल और इसमें फ्लेम सेल्स होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने बोला कि ये सब ऑर्गेनिज्म में क्या है रिपोडक्टिव सिस्टम भी मेन पार्ट है बिकॉज दे आर टू ग्रो देर टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ओके सो द रिपोडक्टिव सिस्टम इज बेल डेवलप्ड फ्लू जो होते हैं मोस्टली हर्मा होते हैं that इस एक्सेप्शंस में क्या आ जाएंगे देर इज अस्टोसोमा वो क्या होता है डायोसियस होता है ओके आफ्टर दैट अगर कोई ऑर्गेनिज्म हारमाफ्लोराइड है दोनों मोनोसियस है मीन्स वॉट कि उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा हारमाफ्लोराइड फ्लूक्स में बट जो डायोसियस है उसमें क्या होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट रह सकता है ना और सिंपली भी जो हारमाफोराइड है उसमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट रह सकता है आफ्टर दैट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसमें क्या क्या कंसिस्ट करते हैं टू ओवरीज यू कैन लुक वन सॉरी मिल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टू टेस्टीज टू टेस्टीज है ठीक है उसके बाद वासस्टीज से निकलेगा एंड दैट विल फॉर्म द डिफरेंस एंड दैट विल ओपन इन द दिनाइटल पोर ओके खुलता है जिनाइटल पोर में एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इज द सिंगल ओबरी देखिए एक ओबरी यहाँ पे दिख रहा है द दूट्रस ओके आफ्टर दैट जो ट्रिमेटोड्स होते हैं और बेसिकली क्या होते हैं ओबरी पेरस होते हैं ठीक है थेके? इसके दो तरह का एग होता है एक तो ऑपरकुलेटेड एग और एक नॉन ऑपरकुलेटेड एग ठीक है ओप्रोकुलेटेड एग्स जितना भी आप सब पढ़ रहे हो ये सब में इंडस्ट्रियल फ्लूग्स लीवर फ्लूग्स लंग्स फ्लू सब में होगा एक्सेप्शन और जो नॉन ऑप्रोकुलेटेड एग्स किसमें ओप्रोकुलेटेड एग नहीं प्रेजेंट होगा दैट विल बी इन ओके सो आफ्टर दैट सिस्ट्रोसोमा अभी हमने मैंने बताया था कि कि, कि ये मेल और फीमेल अलग अलग हैं तो मेल के पास ग्रुप्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोफोरन कैनाल जो तो कि सिस्ट होता है जिसके अंदर फीमेल रिसाइड करती है सो दिस वॉज द वेरी इजी एक ईजी वे में दैट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रीमेटोड फ्लूक्स इससे बहुत आसानी से याद हो सकता है आफ्टर दैट नाउ लेट्स लुक टू द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रीमेटो बेसिकली जो लाइफ uh, साइकिल की बात करेंगे तो जो ट्रीमेटोर्स uh, हैं उनको दो होस्ट की जरूरत होती है ओके तो कंप्लीट हिस देयर लाइफ साइकिल इसलिए उसको डाइजेनेटिक भी बोलते हैं दैट रिक्वायर टू होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल कौन कौन से होस्ट एक होता है डेफिनेटिव होस्ट एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट ओके डेफिनेटिव होस्ट मीन्स क्या कि उसमें सेक्सुअल एडल्ट स्टेज वहाँ पे पोजिस एंड दैट इज द डेफिनेटी होस्ट फॉर द ट्रीमर वोड्स आर मैमिल्स दैट इज द ह्यूमन एनिमल्स ओके एंड आफ्टर दैट एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट इसमें भी दो तरह का इंटरमीडिएट होता है एक फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट और सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट किसको किसको बोलते हैं दैट इज द फ्रेश वाटर मॉलस का ओके स्नेल दे आर द फर्स्ट इंटरमीडिएट स्टेट एंड द सेकेंड इज द फिश क्रैब वाटर प्लांट ओके आफ्टर दैट ये तो याद करना है एंड अभी हम जो लाइफ साइकिल जब जब हम लोग ये लाइफ साइकिल में सब देखेंगे तो आप यू विल ईजिली रिमेम्बर कि फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ऑल दैट नाउ सबसे पहले जैसे कोई भी जो जैसे सबसे पहले शुरुआत होती है कि जो सेक्स जो यहाँ पे जो जो एडल्ट स्टेज है जो इसमें अडल्ट स्टेज था ओके okay, सबसे पहले वो क्या करेगा वहाँ से हम इन्फेक्टिव मीन सेक्सुअल स्टेज पास किया दैन वहाँ से उसने एग रिलीज किया ओके सो दे हैव रिलीज द एग तो एग डेफिनेटिव होस्ट ठीक है जैसे ही एक डेफिनेटिव दे, होस्ट के थ्रू रिलीज हुआ देन वो एक ज, 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 जैसे ही वाटर में आया ओके देन दैट एग डाउट हैज किया और उससे फर्स्ट स्टेज ओके तब वो फर्स्ट स्टेज लार्वा बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं जो बोलते हैं कि वो रिलीज किया मोटाइल सीलिएटेड मीरा स्टेडियम दिस इज इंपॉर्टेंट कि सीलिएटेड है एंड दिस इज कॉल एस मीरा स्टेडियम ठीक है एक कहाँ से रिलीज हुआ डेफिनेटिव होस्ट दिस इज अ डेफिनेटिव होस्ट एंड दैट रिलीज इज द रिलीज इज द एग ओके एंड उससे क्या हुआ एक हैच डॉट हुआ जिससे फर्स्ट स्टेज लार्वा जिसको हम लोग बोलते हैं मोटाइल सीलिएटेड मीरा स्टेडियम रिलीज हुआ अब uh, जैसे ही मोटाइल मीरा सीडियम रिलीज हुआ दिस मोटाइल मीरा पेनिट्रेट इन विच इन हुम द स्नेल एंड स्नेल क्या था यहाँ पे दैट वॉज द फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट ओके सो दिस स्नेल जो मिरासीडियम वो पेनीट्रेट किया स्नेल को जिसको बोलते हैं फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट अब जैसे ही मिरा सीडियम में जो ये फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट में मेरा सीडियम जब गया देन वो क्या बनाया वहाँ पे स्पोरोसिस्ट ओके एंड स्पोरोसिस्ट में क्या हुआ बेसिकली स्पोरोसिस्ट सिस्ट ने सिर से अपने सीलिया को मतलब जो सीलिया था यहाँ पे उसको सेट ऑफ कर दिया एंड दिस इज कॉल्ड अ सेकेंड स्टेज लार्वा अब जो स्पोरोसिस्ट से यहाँ पर दो तरह की कहानी चलने लगती है एक तो होता है सिस्टोसोम्स के लिए और एक जितने भी हर्माफोराइड फ्लूग्स हैं उनके लिए ओके okay? तो सिस्टोसोम्स होता है उनमें वो एक, ए सिक्सोली रिप्रोडक्शन क्योंकि यहाँ पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ना डेफिनेटिव होस्ट में इन द डेफिनेटिव होस्ट देरबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके सो so, इन इन uh, जो सिस्टोसोमा हो होते हैं उनमें ए सिक्सोली प्रोडक्शन होता है ठीक है ना और ए सिक्सोली रिप्रोडक्शन से क्या होता है जो स्पोरोसिस्ट है जो कि सीलिया इसके पास नहीं है जो कि सेकेंड स्टेज लार्वा है ओके देरबा ए सिक्सोली रिप्रोडक्शन दे दे फॉर्म द फॉर्कड फोक टेल्ड सर्केरिया ठीक है जिसको हम बोलते हैं टेल्ड डिलाड़वा दैट इज ऑल्सो कॉल टेल्ड डिलाड़वा क्या बनाता है फॉर्क टेल्ड सर्केरिया दैट इज ऑल्सो कॉल लेस टेल्ड डिलड़वा एंड दिस दिस टेल्ड डिलाड़वा इज हैज बाईफिट टेल, टेल, this, uh, this टेल is, और यही हेल्प करता है कि इन्फेक्ट करने के लिए जो 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 ह्यूमंस हैं उनको डायरेक्ट स्किन पेनिट्रेशन करवाने में ये जो फोक टेल्ड सर्केरिया जिन जिसका बाईफिट bife, टेल है वो हेल्प करता है टू इन्फेक्ट और कैसे इन्फेक्ट करता है बाय डायरेक्ट स्किन पेनिट्रेशन ओके सो द इन्फेक्टिव स्टेज अगर हाँ आप अगर किसी किसी ने आपसे पूछा कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ सिस्टोसोमा दैट इज वॉर दैट इज अ सर्केरिया ओके एंड दैट इज डन बाई द डायरेक्ट स्किन पेनिट्रेशन ओके सो दिस इज द थिंग एंड द डायग्नोस्टिक स्टेज इज ऑफकोर्स एक दैट इज द एक जो कि एक हमें स्टूल में यूरिन में, में जो मिलेगा दैट इज अ डायग्नोस्टिक स्टेज आफ्टर दैट वेन बी टॉक अबाउट हर्माफोराइड हर्माफोराइड फ्लूक्स इसमें क्या होता है जो स्पोरोसिस्ट है इसकी अलग ही कहानी शुरू हो जाती है ठीक है ये बेसिकली स्नेल में ही क्या होता है मतलब सिस्ट्रोसोम में तो अलग हो गया जो सिस्टोसोम यासिस करवाता है और जो हर्माफोराइड फ्लूक्स होते हैं उनके लिए क्या होता है उनका जो एक होता है पहले मदर रेडिया में चेंज होता है देन डॉटर रेडिया ओके देन डेट्स चेंज इन टू स्ट्रेट टेल्ड सर्केरिया इसके पास टेल है इसका मतलब क्या हो गया ये मोटाइल हो गया तो यहाँ पे दो चीज़ और आ गया रेडिया मदर रेडिया डॉटर रेडिया एंड दिस रेडिया इज़ अबसेंट इन होम इन द सिस्टोसोमास ओके एंड दिस स्ट्रेट टेल्ड सर्केरिया जो होता है वो क्या होता है सर्केरिया लीव करता है उसके बाद ये जब जैसे ही ये सर्केरिया में चेंज हुआ ये लीव करता है स्नेल को स्नेल होस्ट को और ये बन जाता है फ्री लिविंग कहाँ पे इन वाटर ओके वाटर में फ्री लिविंग हो जाता है अब जो फ्री लिविंग सर्केरिया है वो पेनिट्रेट करता है ऑन सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सिस्टोसोमा था उसको सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट की भी जरूरत नहीं थी ठीक है लेकिन जो ये अदर हार्मोफोराइड फ्लूक्स हैं उनको क्या की जरूरत है सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट और सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट कौन कौन से थे फिश थे क्रैप थे वाटर प्लांट था ओके okay? एंड uh, uh, उसके बाद जैसे ही सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट में घुसता है ठीक है सर्केरिया फ्री लिविंग सर्करिया वो अपने टेल को हटा देता है सेट ऑफ द टेल यहाँ पे हमने लिखा था कि बनाया क्योंकि उसे फ्री लिविंग बनना था फ्री लिविंग बनकर उसको फिश में क्रैप में वाटर प्लांट में उसको एंटर करना था अपने टेल को हटा दिया उसके बाद वो क्या बन गया दिस इज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दिस इज द इन्फेक्टिव मेटा सर्कैरिया जबकि जब हम लोग सिस्टोसोमा में पढ़े थे दैट वॉज द टेल्ड टेल्ड लार्वा सर्करिया वॉज द इन्फेक्टिव स्टेज बट यहां पे क्या है इन्फेक्टिव स्टेज इज मेटा सर्करिया और जो ये इन्फेक्टिव स्टेज सर केरियर यहां पे आप ऐसे याद हाँ रख सकते हो कि ये जो सेकंड सेकेंड जो है ऑफिस है क्रेब है वाटर प्लांट है इसका मीन्स ये हो गया कि जो इसके अंदर चला गया ये वहाँ से निकला तो नहीं ना इसका मतलब जब हम लोग खाएंगे फिश को खाएंगे क्रेब को खाएंगे वाटर प्लांट को खाएंगे देन दैट विल कॉज इन्फेक्शन मीन्स इट इज इट्स इन्फेक्शन इज गो थ्रू द ओरल रूट मतलब जब हम लोग खाते हैं उसको टेक, टेक करते हैं तब जबकि जो ये होते हैं सिस्टोसोमा होते हैं देट इज़ मोर डेंजरस बिकॉज दे हैव बाईफिट टेल एंड दे वो इंटर करते हैं बाई द डायरेक्ट स्किन पेनिट्रेशन ओके सो दिस वॉज द थिंग सो यू शुड रिमेंबर हेयर कि सिस्टोसोमा में क्या होता है द इन्फेक्शन इज डन बाई सर्केरिया एंड इन द अदर हिमोफोडाइड फ्लू द इन्फेक्शन इज डन बाई द अदर इन्फेक्टिव मेटा सर्केरिया सो दिस वॉज अ स्मॉल थिंग अबाउट द यू नो ट्रिमेटोट्स आई होप यू ऑल लाइक डिट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर इट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल Thank you.